सर, आज किसानों की महापंचायत थी बिजनौर में, क्या पूरा प्रोग्राम था? देखिए, किसान 2 महीने से ज्यादा डटे हैं, देश की राजधानी की मांगे जिनपे सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर पाई। सैकड़ों से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उन्होंने शहादत दी है। बड़ा दुर्भाग्य इस देश में इन किसानों की वोट से ही उसी आधार से सरकारें बनती हैं और लोकतंत्र में इनका अधिकार अपनी बात करते हैं। लेकिन आप जाके देखेंगे जो सीमाओं पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, ऐसे ऐसे तार की व्यवस्था की गई जो शायद भारत की सीमा पाकिस्तान सीमा में नहीं है। तो सरकार दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है आंदोलन। गाजीपुर पिछले बीते दिनों में एक तनाव भी पैदा हुआ, इसके बाद चौधरी जी सभी ने पहल की और ये विश्वास दिलाया कि एक हैसियत है राजनीति हमारी पार्टी के संपर्क कर लगातार इस मूवमेंट में शिरकत करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। उसके बाद जो है मुझे लगता है किसानों के अंदर बहुत ज्यादा भावना निकल के आ रही है। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ बिजनौर, पूरे रास्ते हर गांव में मुझे लोगों ने रोका है, स्वागत किया है, मुझे यही कहा तुम डट के रहो और सरकार पीछे हटेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, पंचायत चल रही थी वहाँ पे और राजनीतिक दल के भी नेता आए थे, उनका क्या रहा? ठीक है, सबको आना चाहिए, राजनीति इसी मुद्दे पे होनी चाहिए। अगर किसान के मुद्दे पे राजनीति नहीं होगी तो किस मुद्दे पे हो? और अगर अपनी राजनीतिक ताकत को किसान नहीं पहचानेगा, क्या किसान सिर्फ वोटर है? नहीं, किसान ये अस्तित्व रखता है कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को किसान तय कर सके, ये देश के एजेंडे को, देश की नीतियों को किसान तय कर सके। किसान दर्शक नहीं है, किसान सिर्फ मतदाता नहीं है, किसान के अंदर नेतृत्व क्षमता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा गांव से देखने हुए लोगों को मौका दिया, देश के सदनों में उनको असर दिया प्रतिनिधित्व करने का, और यही लीडरशिप क्वालिटी आज भी किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, गांव में बन रहे बच्चे IAS बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वैज्ञानिक बन रहे, उनमें क्या कमी है? इनको सरकार बताएगी कि कानून कैसे होने चाहिए?